डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और जेनेटिकल डिसऑर्डर की, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे दो के बजाय तीन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक वक्त में। और ये एक तरह का एक बहुत ही कॉमन क्रोमोसोमल एनोमलीज है ह्यूमन बींग्स में। और इसकी हमें अगर हम देखें 2015 का आंकड़ा, तो यहाँ पे 5.4 मिलियन इंडिविजुअल्स ग्लोबली इससे अफेक्टेड थे। इसका सबसे पहले इसके बारे में 1866 में ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडाउन डाउन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको डाउन सिंड्रोम दिया गया। उसके बाद में एक साइकेट्रिस्ट थे फ्रेंच के, एस्क्यूरल, इन्होंने इस पर काम किया। उसके बाद में फ्रेंच फिजिशियन थे सैंग्विन, उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और इस तरह से ये जो 1866 में जो ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडाउन डाउन ने इसकी खोज की थी, उसका जो जेनेटिकल जो मैकेनिज्म है, क्या कॉज है, वो 1959 में ही वो स्टडी हो पाया। तो बेसिकली ये क्या है डाउन सिंड्रोम, ये ट्राइसोमी है 21 क्रोमोसोम की, मतलब 21 क्रोमोसोम दो के बजाय तीन में उपस्थित होगा, तो इट इज़ अ ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। इट इज़ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है, या तो पूरा हो सकता है या थर्ड कॉपी हो सकती है पूरा का पूरा क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम 21 तीन कॉपीज में आपको प्रेजेंट होता है, तो इसके साथ में ही कई सारी उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, इंडिविजुअल में जैसे हम देखते हैं कि फिज़िकल ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है, आईक्यू लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, फेशियल फीचर्स बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट हम जिसे कहते हैं किसी बच्चे का, वो 50 हो जाता है, 8 से 9 साल के बच्चे का होना कितना चाहिए, 100 होना चाहिए, उससे कम हो जाता है। तो फिज़िकल और जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एक तरह का इम्यून फंक्शन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस बहुत धीरे धीरे होती हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ इनमें क्रॉप अप कर जाते हैं। तो इस तरह से ये ट्राइसोमी या इनहेरिटेड जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं। तो बेसिकली इसमें जब तीन कॉपीज बनती हैं जीन्स की ऑन क्रोमोसोम 21, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, हर क्रोमोसोम हम देखते हैं टू सेट्स में होता है, जिसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो कई बार ये हो सकता है कि नॉर्मल पेरेंटल हो लेकिन ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, उसमें 1% रिस्क होती है कि ये ट्रैवल करता है। जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है, ये इट कैन अराइज इन एनी ऑफ द डिफरेंट वेज। ये कैसे हो सकता है, 95% केसेस में ये देखा गया कि यहाँ पे क्रोमोसोम 21 में ट्राइसोमिक कंडीशन होती है। और ये जो ट्राइसोमिक कंडीशन होती है, ये मोज़ेक डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि 2.5% में देखा गया। तो ये मैकेनिज्म क्या है, भाई ये तीन कॉपीज़ में क्यों प्रेजेंट होता है 21 क्रोमोसोम में, तो इसको जो रीज़न दिया गया उसमें सबसे पहला था इम्पॉर्टेंट रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, आइसोक्रोमोसोम या रिंग क्रोमोसोम। तो या तो यू हैव ए ट्रांसलोकेशन शिफ्टिंग या आइसोक्रोमोसोम की प्रेजेंस से या रिंग क्रोमोसोम की प्रेजेंस से ये हो सकता है कि ये आपके डाउन सिंड्रोम डेवलप हो। तो ये एडिशनल जो मटेरियल है वो 2.5% केसेस में इसको ऑब्जर्व किया गया था एज ए एक्स्ट्रा कॉपी। तो अगर हम इसका कैरियोटाइपिंग देखें, तो राइट साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हो, तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, जिनको हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, उनका एक मानचित्र यहाँ पे उपस्थित है। तो ये हमने एक मैप बनाया है, तो इसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो आप देखो 1, 2, 3 जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सब आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 21वें नंबर पर आते हो तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 3 क्रोमोसोम्स। तो दिस इज़ अ ट्राइसोमिक कंडीशन, तो दिस इज़ ए कैरियोटाइप विच इज़ शोइंग द ट्राइसोमी और द डाउन सिंड्रोम इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। तो क्या कॉजेज हैं, तो कैरियोटाइपिक में अब नॉर्मली कितने होने चाहिए आपके, यहाँ पे कितने हो गए आपके कैरियोटाइप में, 47, मतलब XX प्लस 21। तो ये 47 जो नंबर आ गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज़ हैपनिंग। तो इससे एक एक्स्ट्रा कॉपी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो सेल में इंस्टेड ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, सेल में कितने हो जाते हैं, 24 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन मेन कॉज है ट्राइसोमी का, और जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है वो एक नाम है अमेरिकन जूलॉजिस्ट का, साइटोजेनिस्ट का, जिनका नाम था रीज ब्रेबनर रॉबर्टसन। और उन्होंने सबसे पहले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जिनमें कि ग्रासहॉपर्स होते हैं, उनके ऊपर ये शोध कार्य किया था 1916 में। और 1916 में जो उन्होंने ग्रासहॉपर्स पे काम किया रॉबर्टसन ने, उन और ऑब्जर्वेशन किया कि ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उस ट्रांसलोकेशन को ही एक मेन कॉज माना गया था
ट्राइसोमी का, जो कि डाउन सिंड्रोम कॉज करता है, जैसा कि हम इस कैरियोटाइप में विजुलाइज कर सकते हैं 21st क्रोमोसोम में। तो व्हाट इज बेसिकली दिस ROB, या हम इसको कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। यह एक प्रकार का क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें कि क्रोमोसोम जो है या उसका कुछ हिस्सा जो है वो अटैच हो जाता है दूसरे से। तो ये क्रोमोसोमल जो ट्रांसलोकेशन होता है, 1000 में से एक में इंडिविजुअल में वो होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे कि नॉर्मली जो ट्रांसलोकेशन है ROB, वो ऑब्जर्व किया गया है डाउन और पटाओ सिंड्रोम में। ये इससे क्या होगा कि रिडक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि 5 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं। 5 एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं क्रोमोसोम पेयर्स में, यानी कि शॉर्ट आर्म्स बहुत शॉर्ट होती हैं, और ये जो पार्टिसिपेटिंग 13, 14, 15, 21 और 22, तो ये जो है ट्रांसलोकेशन जो कि 5 क्रोमोसोम्स में देखा जाता है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में, रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन वो होता है 13, 14, 15, 21 और 22 में। और जो पार्टिसिपेटिंग जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं अपने सेंट्रोमियर्स को, और उनके जो लॉन्ग आर्म होती हैं वो जाके जुड़ जाती हैं सिंगल लार्ज क्रोमोसोम के साथ में विद अ सिंगल सेंट्रोमियर। तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5, तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 हैं आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। तो एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं, नंबर 2 जो है इसमें इमेज में है, जहाँ पे कि जो शॉर्ट आर्म्स जो हैं ABCD, जैसे हम नॉर्मल क्लेचर चलते हैं, तो A का मतलब क्या है, शॉर्ट आर्म है, छोटी भुजा है। B क्या है, जहाँ जुड़ते हैं दो क्रोमेटिड्स उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। C क्या है, लंबी भुजा है, लॉन्ग आर्म है। D क्या है, दो जुड़े हुए हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। तो इस तरह से ABCD, जैसे कि आप देख सकते हो, A स्टैंड्स फॉर शॉर्ट आर्म, B स्टैंड्स फॉर सेंट्रोमियर, C स्टैंड्स फॉर लॉन्ग आर्म, D स्टैंड्स फॉर सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस तरह से जो पार्टिसिपेटिंग जो क्रोमोसोम्स हैं वो ब्रेक करते हैं अपने सेंट्रोमियर्स को, और उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं एक लार्ज क्रोमोसोम से थ्रू ए सिंगल सेंट्रोमियर। जाके एडिशनल पार्ट अगर जुड़ जाएगा तो दैट विल रिजल्ट, और ह्यूमन बींग्स में अगर वो ज्वाइन होता है लॉन्ग आर्म 21 का विद अ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 14 या 15 के साथ में, तो एक हेटरोजाइगस कैरियर के साथ में वो नॉर्मल होगा। उसमें 2 कॉपीज़ होंगी, उसमें एसेंशियल जीन्स होंगी, लेकिन जो प्रोजेनी जो होगी वो इनहेरिट करेगी ट्राइसोमी को, डाउन सिंड्रोम लेके जाएगी। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में 21st क्रोमोसोम, 14 नंबर क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम की लंबी भुजा जाके जुड़ जाती है 14 क्रोमोसोम के साथ में, तो आपकी ट्राइसोमी डेवलप हो जाती है 21st क्रोमोसोम में, जो कि नॉर्मल है इंडिविजुअल्स इन ह्यूमन बींग्स। तो दैट इज कॉज ऑफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इस इनहेरिटेंस को अगर मैकेनिज्म को हम समझें कि ये भी जो एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल आ गया आपके 2 के बजाय 3 आ गए, तो उसमें क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन होता है आपके पोर्शन का। तो 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें लगभग औसतन देखा गया है कि उसका एक पोर्शन जो है 310 जीन्स का जो एक हिस्सा है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव जीन्स हो जाती हैं। ये जो 310 जीन्स हैं इनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 3rd कॉपी प्रेजेंट है। कुछ रिसर्च ये बताती हैं कि कुछ क्रिटिकल रीजन इसमें लोकेटेड होते हैं, बैंड्स इसमें लोकेटेड होते हैं, जिसमें कि कुछ जीन्स होती हैं स्पेशलाइज्ड केमिकल्स के बनाने के लिए, आपके हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, स्पेशलाइज्ड सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, जैसे कि एमेलॉइड है, सुपर ऑक्साइडस म्यूटेज है, या प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, या माइक्रो RNAs जो हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखा गया। डिमेंशिया जो है वो एक्सेस ऑफ एमेलॉइड बीटा पेप्टाइड के प्रोडक्शन से होता है, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह को अगर हम इनहेरिटेंस को अगर हम देखें कि पेरेंटल जो जनरेशन है जिसमें बोथ द पेरेंट्स दे आर एक्टिंग एज ए कैरियर, तो F1 जनरेशन में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे आपके 50% जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये डाउन सिंड्रोम कैरी होगा, और 50% विल बी हैविंग अ नॉर्मल जीन। तो दिस डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस डाउन सिंड्रोम इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू।